हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईट गुड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पॉम्फ्रेट फिश करी। ये बंगाल में तो बहुत ही फेमस है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम फिश लिया है। इसे ऐसे चीरा लगा के नमक और हल्दी से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक प्याज को हमने ऐसे बारीक काट लिया है, एक टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून, जीरा और कोरिएंडर का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून, 2 हरी मिर्च लिया है, इसे बीच से चीरा लगा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने नींबू का रस लिया है, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है स्वादानुसार, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने जीरा और 1 तेज़पत्ता लिया है। तो अब एक पैन लेंगे, उसमें उसके गरम करके 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल गरम होने के बाद एक एक करके मछलियों को डाल देंगे। इसे डालने के समय आप ध्यान रखें, तेल छीट सकता है। तो इसे हर एक साइड को हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आँच पर पकाएंगे, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। इसे पूरा नहीं ढकेंगे, इससे ये ओवर कुक हो सकता है। तो ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इसे साइड में रख लेंगे और बाकी का प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तेल को निकाल के ऐसे हम रखेंगे। तो अब उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल के हम जीरा और तेज़पत्ता को डालेंगे, इसे जलने नहीं देंगे, और प्याज डालेंगे। इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे, वरना ये एक साइड से जल सकता है। तो देखिए गोल्डन हो गया है, तो हम इसे टमाटर डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा मिक्स करके हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा और धनिया का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से ही अच्छी तरह से कुक होगा और मसाला जलेगा भी नहीं। मसाले डालते समय आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहे, वरना ये नीचे से जल सकता है। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अब ढक देंगे मिक्स करके, और इसे 4 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये जले ना। तो देखिए मसाला कुक हो चुका है, तो इसमें फ्राई किए हुए मछली डाल देंगे। इसमें बॉयल किया हुआ 2.5 कप पानी डालेंगे। हम बॉयल किया हुआ गर्म पानी डालते हैं, इससे पैन हमारा जल्दी से ठंडा नहीं हो जाएगा। तो देखिए बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसे हरी मिर्च डाल दिया है, ढक देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है, ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। मछलियों को हम पलट देंगे। इसे पलटने समय ध्यान रखना है ताकि ये टूट ना जाए। तो अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ग्रेवी को इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ। ध्यान रखना है ताकि टूट ना जाए। तो देखिए गैस बंद कर दिया है हमने, रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।